दर्द से दिल बाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तो कुछ भूल गए और कुछ याद रहा, उसको पूरा करना है कि जो भूल गए हैं उसको याद करना है। इसलिए हम आए हैं आरआरबी एनटीपीसीएन ग्रुप डी के लिए, ये मैथ का दूसरा क्लास लेकर। तो आपका एपिसोड 2 है और इसमें बने रहिएगा, और आपको हम वही क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो रेलवे के एग्जाम में बार बार आता है, यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन है रेलवे का, ताकि आपको फालतू चीज ना पढ़ना पड़े और बेवजह के टेंशन से आप बचे रहें। एग्जाम में क्वेश्चन इसी लेवल का आता है तो आपको यही पढ़ना चाहिए। दोस्तों, कोर्स बेचने के लिए लोग बड़े बड़े हार्ड क्वेश्चन पढ़ा देंगे, रेलवे वाले को एसएससी वाला, एसएससी वाले को कैट मैट और एनडीए वाला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आज का सवाल। तो आज का जो सवाल है ना, ये 10 नंबर से है। अब बोलिएगा 10 नंबर से का है, 9 नंबर का है, नहीं? तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैंने पढ़ा रखा है, आपको 9 नंबर तक पढ़ा दिया था। आज का क्वेश्चन है, कहता है 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 10 का क्यू बराबर 325, तो 2 का क्यू, 4 का क्यू, 6 का क्यू प्लस 20 तक के क्यू का मान कितना होगा। कहता है कि यदि अगर ऐसा हो रहा है कि 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यू बराबर है 325, तो क्या कहता है? कहता है कि 2 का क्यू प्लस प्लस आगे है आपका 4 का क्यू प्लस फिर 6 का क्यू प्लस डॉट 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 यहां 20 का क्यू बराबर कितना होगा। दोस्तों जरा ध्यान देना, ऐसा सवाल सेकेंडे में बना दीजिएगा, सेकेंड में बना दीजिएगा। देखिए कैसे, 1 का क्यू 1 होता है जबकि 2 का क्यू 8 होता है, 2 का क्यू 8 होता है जबकि 4 का क्यू 64 होता है। आप एक चीज देखिए, यह ऐसा सीरीज है कि ऊपर वाला का नीचे वाला ना 8 गुना है, ऊपर वाला का 8 गुना है नीचे वाला, ऊपर वाला का 8 गुना है नीचे वाला, उसी तरह बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ऊपर वाला का 8 गुना नीचे वाला होगा, यानी 325 का 8 गुना कितना होगा भैया? 25 अठे तो 200 हो गया, 25 अठे 200 हो गया, 8 तीन 24 हो गया, 24,200 कहां है? ऑप्शन डी में है। आपके इस सवाल का जवाब हो चुका है। आइए ना बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, कुछ लोग ये क्यू वाला फॉर्मूला लगाने लगते हैं। अच्छा एक ध्यान देना, जरूरी नहीं कि 1 से लेकर 10 तक के क्यू करेंगे तो इतना आएगा, ये देता है मॉडल प्रारूप क्वेश्चन है। इसका कहना है कि यदि इतना बराबर इतने हो, अब होगा कि नहीं, नहीं अगर हो तब इतना का मान कितना, तो यही पकड़ लेना होता है कि पहला टर्म और इसका पहला टर्म इसका कै गुना कै गुना कै गुना, बस लास्ट में उतने से गुना कर लीजिए, आंसर आपका तैयार। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल 11 नंबर। कहता है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितने बार आएगा। फैन बंद कर दीजिए सर। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, दहाई के स्थान पर? अगर ऐसे 12 देखें तो 2 दहाई पर नहीं आया, इकाई पर है, क्योंकि इकाई दहाई बचपन में यही पढ़े थे ना, इकाई दहाई संख्या ऐसे करके। यहां ध्यान दीजिएगा, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितने बार आता है, तो आपको दहाई के स्थान पर केवल आएगा कहां से जानते हैं, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितने बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 8 9 10, 10 बार आया है, ऑप्शन सी में हो गया। यानी 20 से लेकर 29 तक में जाएंगे तो दहाई के स्थान पर 2 मिल रहा है। ठीक है, ऐसे टोटल 10 संख्याएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। ए भैया, एक बात तो है, 18 का गुणज ढूंढना है तो कल ही बताए हैं ना, 18 का गुणज का मतलब हुआ कि वह संख्या 18 से कटना चाहिए, लेकिन 6 अंक का होना चाहिए छोटा से छोटा। ठीक है,
तो 18 से कटने का नियम है, 18 को ऐसे ही दो गुणन खंड तोड़िए जिनका HCF एक हो, तो दूनमा 18, क्योंकि 2 और 9 का HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 और 9 से जो कट जाएगा वो होगा, तो 2 से तो भैया ये सब कट जाएगा ना, देखिए सब सम संख्या है तो 2 से कट गया। अब 9 से चेक करते हैं, अरे भाई ये हो समय संख्या है, लास्ट में 0 है ना, सम संख्या हो गया। अब देखो 9 से कौन कटेगा, जो अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए, तो इसके अंकों का योग 9 के बराबर नहीं होगा, इसके अंकों का योग 9 का गुणज हो जाएगा, 9 9 9 9, ई हो सकता है, ई हो सकता है, 8 1 9 ई हो सकता है, 6 1 7 ई नहीं होगा। लेकिन अब इन दोनों में छोटा कौन, तो दोनों में छोटा देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 9,99,900, 9 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख है, तो छोटका यह ना हुआ, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया, आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया, तो ये मैंने ऑप्शन से चेक कर दिया, ठीक है। दूसरा तरीका अगर ऑप्शन से आपको नहीं बनाना था तब क्या उपाय है भैया, तब इसका उपाय यह है, वह 6 कहता है, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज हो, तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखा जाए, तो देखो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 0 दे देंगे, ठीक है, 18 का गुणज हो तो 18 से इसको भाग लगाएंगे, 18 से भाग लगाएंगे, 18 5 90, शेष बच गया 10, अब 0 देंगे, 18 5 90, शेष बच गया 10, 0 देंगे, 18 5 90, शेष बच गया 10, फिर 0 देंगे, 18 5 90, शेष बच गया 10, यही ना शेष 10 बच गया। दोस्तों एक काम करिए, 18 का गुणज होने के लिए अगर इसमें से 10 घटा दीजिए, देखिए फालतुआ है 10, अगर 10 कम रहता तो भी कट जाता, लेकिन एक बात बताओ 10 कम कर दोगे, ऐसे ही ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, अगर 10 कम कर दोगे तो गड़बड़ा जाएगा, ये 6 अंक में ना रहेगा, ये 5 अंक में चला आएगा, नहीं, क्योंकि ऐसे ही 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसमें एक भी कम कर देंगे तो 5 अंक में चल जाएगा, हम कम ना करेंगे तो कैसे कटेगा, तो 18 और 10 का अंतर इसमें जोड़ दीजिए तो काम चल जाएगा, 18 में से 10 घटा लीजिए 8 हुआ, 8 को इसमें जोड़ दीजिए, तो आपको क्या करना है 5 0 ही हो गया, 1 2 3 4 5 0, यह है आपका 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें 8 ऐड कर लीजिए, आपका यहां 8 हो गया, 0 0 0 1, बस हो गया आपका यही आंसर ऑप्शन सी, ठीक है ना। आगे देखो अगला सवाल 13, एक संख्या प्रणाली में इतना को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 शेषफल 3 प्राप्त होता है, भाजक क्या है, कहता है इतना में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर, एक संख्या से मान लेते कि उस संख्या x रहा होगा जिससे मैंने विभाजित किया, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को भाग दिया किसी संख्या से तो भागफल 83 आया और शेषफल 3 आया है, तो पूछा है कि क्या हो जाएगा, सुनिए नियम यह कहता है, अब बताओ अगर 7 में 2 से भाग दे दूं तो 2 3 6 शेष बचाए, यानी ये 7 किसके बराबर है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, ए भैया ये जो भाज्य है किसके बराबर, इन दोनों के गुणा और जोड़ शेष इसके बराबर, 2 गुना 3 और जोड़ शेष यानी 7 बराबर, ये 2 3 6 1 कितना हुआ 7, ये होता है ऐसा होता है। सुनिए अब एक बात बताना रुक जाना, चलिए ध्यान दीजिए, तो जरा इधर आइए तो इन दोनों का गुणनफल और जोड़ शेषफल, ठीक है, जोड़ शेषफल इन दोनों का गुना और जोड़ शेष बस इसके बराबर हो जाएगा, यानी गुना किसका, x गुना 83 का, ठीक है, और जोड़ेंगे शेष, x और 83 गुना करके जोड़ेंगे शेष तो बराबर हो जाएगा भाज्य के बराबर, यानी 14,528। अब ये 3 जाकर उधर घट जाएगा क्योंकि अभी प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 83
एक्स बराबर ये तीन जाके घटेगा 14,525 हो जाएगा। ठीक है, अब 83 से इसको काट दीजिए, 3, 5, 15 लास्ट में 5 होना चाहिए, 175 बार में कटता है, 5 तो बहुतों में है लेकिन 175 होगा। x की वैल्यू कितना 175, आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है और 2018 में और 2016 में भी क्वेश्चन आया है। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, ऐसे क्वेश्चन को आपको पढ़ना चाहिए जो बार बार पूछ रहा है। देखिए 14 नंबर, अंक 3709 से निर्मित चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो। जानते हैं, कहता है क्या, कहता है जरा सुनो तो, कहता है कि 3, 7, 0 और 9 का प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए यही अंक का प्रयोग करके और उसका अंतर बताइए। ए भैया, सबसे बड़ा संख्या बनाना है ना, तब पहले बड़का संख्या रखिए, सबसे बड़ा 9, तब कौन बड़ा 7, और तब कौन बड़ा 3, और लास्ट में 0। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या बनाना है तो आप करेंगे 0, तब लिख देंगे सबसे छोटी वाला 3, और तब 7, और लास्ट में लिखेंगे ना, हो गया गलती, क्योंकि ये 0 जो इधर आ गया ना, इसी वजह से गड़बड़ हो गया, क्योंकि अभी 0 का कोई यूज ही नहीं हुआ है दोस्तों। अगर अभी भी 379 ही है, 0 को हटा देते हैं तब भी 379 है, यानी इस 0 का यूज नहीं हुआ। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसे सवाल में जानबूझ के ये वो 0 देकर संख्या बनाने के लिए कहता है सबसे छोटी या सबसे बड़ी। एग्जामिनर जानता है कि एकर दिमाग इतना काम करेगा कि नहीं करेगा, बात अरे समझ में, ये बात होता है। सुनिए, तो सबसे छोटी, सबसे छोटा अंक 3 लीजिए, अब 0 को बैठा लीजिए, अब 0 का यूज हो गया, तब 7 ले लीजिए, लास्ट में 9 ले लीजिए, इसका अंतर का है तो घटा दीजिए, 10 में से 9 गया 3, 12 में से 7 गया 5, ये हो गया आपका 6, 9 में से 3 गया 6, 66, 10 में से 9 गया 1 ना, 13, 10 में से 9 गया 1, देखिए घटाव नहीं आ रहा है, तो 66, 51 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं, आइए अगला सवाल की तरफ देखिए। अगला क्या कहता है 15 में, इसमें कहता है 12.054 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना होगा। दोस्तों आपको पता है, अगर मान लो कि ऐसे रहता 3, 5, 4, 2, 1, तो इसमें 4 का स्थानीय मान, तो 4 लिख देते हैं, 1, 2, 1, 2, 3, 3 अंक बचता है, तो 3 0 दे देते हैं, है ना, 4000 हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग पढ़ते भी हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़ते हैं ना। देखिए 4 को किस पर बोले, हजार पर बोले, कैसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 4000 है, इसलिए ऐसे लिखा गया था। तो अब ध्यान दीजिए ना जरा, इधर ध्यान दीजिएगा तब ना आपको पता चलेगा, आप देखते इधर उधर, देखिए इधर इसमें कहता है 3 का स्थानीय मान, तो इसमें वैसे नहीं होगा कि 3 इकाई 3, 3 हुआ ना, इसमें पॉइंट है ना, तब 3 को लिख लो, अब बट्टा लिख दो, अब पॉइंट है तो 3 को देखो कि दशमलव के बाद कैमे नंबर पर है, तो 1, 2, 3, 4 चौथा नंबर पर है, 1 देकर 4 0 इस पर बैठा दो, 4 0, तो 3 देके अब बट्टा में बैठा दो 4 0, 1 देके 4 0, कहां है, ऑप्शन डी में है, हो गया। अगर दशमलव के बाद तीसरा नंबर पर रहता था, 1 देकर नीचे में 3 0 दे देते, ठीक है, 1 पर 3 0 बट्टा में होता। अगला आ जाइए सवाल, अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है कि 4744 लोगों में बराबर बराबर बांटने के लिए 1,49,250 रुपए में कम से कम कितने रुपए और मिलाने की आवश्यकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें यह कह रहा है ना कि इतना से भाग देना है, क्योंकि इतना लोग के बीच में बांटना है इतना रुपया को, अब इतना रुपया को बांटना है इतना लोगों के बीच में, तो कहता है कम से कम और कितना रुपया चाहिए, यानी ये कहता है कि कम से कम इसमें कितना जोड़ें कि इससे कट जाए, किससे कट जाए, इससे, तो 14 यानी 1,49,250 में आपको भाग लगाना है 4744 से। ठीक है,
अब भाग लगा के शेषफल निकालना है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी इसलिए दिया जाता है कि भाग देते देते लोग इसमें फंस के रह जाए, दो चार क्वेश्चन इसे न बने और समय न मिले लास्ट में। तो कभी कभी सवाल आपको जो आता है, मतलब आप जानते हैं कि इसको हम बना सकते हैं, लेकिन जानबूझ के ऐसे डिजिट सेट किया जाता है कि आप फंसे, वैसे सवाल को छोड़ के निकलना है, समय बचेगा तब बनाना है। तो इसमें जब आप घटाइएगा, हम घटा के रखे हुए थे इसीलिए पहले घटा चुके हैं, 21.86 शेष आएगा। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का अंतर हम पहले 47.44 में से 21.86 घटा लेंगे, घटा के जो आएगा 14 में से 6 गया 8, 13 में से 8 गया 5 और ये बच गया 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25.58 जोड़ना होगा इसमें हमको, तो इसमें जोड़ना होगा 25.58। अब इसको जोड़ देते हैं, 8 5 5 10, 5 2 7 1 8, 9 2 11 के 1, 14 1 15, यानी 15 18 08 ऑप्शन, सॉरी हमको ये देखो, ये तो कटेगा, ये तो कटेगा, इस संख्या कटे वाला हम निकाल दिए कि पूछता है जो कौन संख्या कटेगा, तब हमारा आंसर यही हो गया 25.58 ऑप्शन बी। कहता है कितना जोड़ा जाए, तो किसको जोड़े हैं, इसको जोड़े हैं, लेकिन अगर संख्या निकालना होता कि कौन संख्या कटेगा तब ही आपका आंसर होता, ठीक बात है। आइए अगला सवाल पर आ जाइए, देखिए ये सवाल कितना बार पूछा गया एग्जाम में, दिमाग खराब हो जाएगा। देखो 17 नंबर सवाल कहता है, देखो दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है। अच्छा, इसको हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं, ये मुरकटिया नियम, यानी मने मने सोच के भी बना सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि चूंकि 36 जोड़ने से अंक बदल जाएगा, तो चूंकि जैसे देखो अगर 59 लेते हैं तो 59 भी एक ऐसा संख्या है जिसमें 36 जोड़ेंगे तो अंक बदल जाएगा, इसमें 36 जोड़िए, तो 36 जोड़िए, 9 6 15 के 5, 5 3 8 1 9 95 हो गया, 59 क्या हो गया 95, यानी कि वो संख्या यही है 59, 95 नहीं, 95 में 36 जोड़ेंगे तो आगे भाग जाएगा नहीं आएगा, लेकिन 59 में 36 जोड़ेंगे तो 95, यानी वो संख्या 59 हुआ जिसमें पूछता है तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन है, तो 5 आंसर हो गया ऑप्शन बी, आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। लेकिन लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि ऐसे तो हम सोच लिए ना, हो सकता है आप नहीं सोच पाए, तो ऐसे में क्या करना है, देखिए दो अंकों की एक संख्या है, आपको पता है दोस्तों, अगर मान लो कि ऐसे हम लिखते हैं 3 2 1 3 2 4 लिखते हैं, इसको कैसे लिखा जा सकता है जानते हैं, बचपन में आप पढ़े थे इकाई दहाई सैकड़ा करके पढ़े थे, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई का मतलब इसमें एक से गुना, प्लस दहाई मतलब 10 से गुना, 2 दहाई कितना होगा 20, प्लस सैकड़ा मतलब 100 से गुना, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 से गुना, तो 100 से गुना तो 300 हो गया। अब जोड़ के देखो तो 320 अचार जोड़ो तो 324 हो जाता है कि नहीं, 320, तो 320 अचार 324 हुआ कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है आप बचपने में पढ़े हैं कि ए भैया एक्स वाई दो अंकों की संख्या है, आप देखते होंगे दो अंकों की संख्या टीचर को लिखते 10x + y, कि आपका दिमागे खराब हो जाता कि कभी एक्स वाई बोलता है कभी 10x + y बोलता है, लेकिन बात यह नहीं है, बात यह है कि इकाई वाला में एक से गुना करके और दहाई वाला में 10 से गुना करके वो संख्या लिखा गया, ऐसे लिख सकते हैं। अगर एक्स वाई दो अंकों की संख्या है और इसके अंक को पलट देते हैं तो वाई एक्स हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं 10x + y, इकाई में एक से दहाई में 10 से गुना, इसको इकाई में एक से और दहाई में इकाई दहाई दहाई में 10 से गुना पलट जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, पहले ऐसे था, बात है समझ में, तो अंक हुआ एक्स वाई लेकिन उसका संख्या हो गया ये 10y + x, चाहे अंक है एक्स वाई तो 10x + y है ना, ये संख्या हो गया, यहाँ पलट के बनाए इधर बिना पलटे हुए बनाए हैं। आइए अब एक बात हम आपसे करना चाहेंगे, तो सवाल का था दो अंकों की एक संख्या, मान लेते हैं दो अंकों की संख्या एक्स वाई, ये दोनों अंक है, ये दोनों क्या है अंक है, अंक है, ये दोनों अंक है, ये अंक हुआ दो अंक में, जैसे अगर 32 है तो इसमें दो को अंक है कि ना, 3 2, इसको 2 को ऐसे आप प्लस 3 दहाएं 30, ऐसे लिख सकते 30 + 2, बात है समझ में। अब सुनिए एक बात, तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, इसका मतलब एक जानकारी दिया हमें कि x + y का वैल्यू कितना है 14, का है
देखिए समीकरण बन गया, कहता है दोनों अंकों का योग 14। अब कहता है यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है, किस में, उस संख्या में, तब कहता है तो उसके अंक का स्थान आपस में बदल जाता है। कहता है कि उस संख्या में, यानी देखो संख्या का मतलब देखो क्या होता है, उसका अंक है कितना एक्स वाई, इसमें अगर 36 जोड़ देते हैं तब संख्या बदल जाता है यानी वाई एक्स हो जाता है। इसको लिखना कैसे, इकाई में एक से गुना और दहाई में 10 से गुना, तो 10x प्लस वाई हुआ। इसमें जो 36 जोड़ा गया है ना, 36 जोड़ा गया है तो पलट गया यानी 10y प्लस x हो गया, इकाई में 1 से दहाई में 10 से गुना, ऐसा हो गया। तो x आके इधर घट गया तो 9x हो गया, और एक काम करें 10y इधर घटा लीजिए तो माइनस में कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 36 हो जाएगा। 9 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई की वैल्यू कितना हो गया, माइनस में 36, और 9 चौके 36 यानी x माइनस वाई बराबर हो गया माइनस में 4। ठीक है, अब आपका ये दूसरा समीकरण बन गया दोस्तों, ये क्या हो गया आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब एक काम करते हैं, पहला समीकरण आपका था, देखो पहला समीकरण क्या था आपका, पहला x प्लस वाई बराबर कितना 14, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर हमारा माइनस 4। अब सीधा जोड़ देते हैं तो y प्लस में y माइनस में गया, ये दो गो एक्स की वैल्यू कितना हो गया, इसको जोड़ो 14 में से 4 गया 10, दो से काट दिए तो 5, x की वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। y की वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको जानते हैं दोनों अंक जोड़ के 14 है तो x की वैल्यू 5, तो 9 हो जाएगा, यानी 5 और 9 हुआ, आपका आंसर 5 वाला यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको प्रोसेस से बता दिया जो इसका सिस्टम था बनाने का, और एक मैंने आपको बता दिया जो मुरकटिया मेथड से आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए अगला सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है सवाल। कहता है 18, किसी शहर की जनसंख्या उसके पांचवें भाग से 5000 अधिक है, शहर की जनसंख्या बताइए, शहर की जनसंख्या एक्स मान लेते हैं टोटल, और उसके पांचवा भाग से, किसी शहर की जनसंख्या उसके पांचवें भाग से, माने उस संख्या में 5 से भाग दे दिए, पांचवें भाग से कितना अधिक है जानते हैं, 5000 अधिक है, तो ये 5x में से एगो x गया तो 4x, अब बटा 5000 हुआ, सॉरी देखो ये 5x में से एक गया तो 4x बटा 5 हुआ बराबर हमारा 5000 हो गया। 4 से काटते हैं तो 12 चौके 48, 2 2 पर 0 20, 4 5 20 10। अब हम गुना कर देते हैं तो उधर 0 5 25 5 हासिल, 2 12 5 60 और 2 62, 62 50 62 50 ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा आसानी से समझ में, तो इसी तरह से बने रहिएगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत ही स्पेशल तैयारी हम करवाने जा रहे हैं। ये दूसरा एपिसोड था, तीसरा एपिसोड आ रहा है और डेली 2 वीडियो अपलोड होगा, रीजनिंग की भी क्लास लगेगी। अच्छा, हमारा पेड कोर्स चलेगा वो अलग बात है, हमारा पेड कोर्स धुरीना पर चलता है, वो चलते ही रहेगा, लेकिन यूट्यूब पर मैं फ्री क्लास दूंगा, रेलवे NTPC के लिए यहाँ पर क्लास मिलेंगी। जिनको पेड क्लास करना होता है वहाँ भी तो केवल गुरु दक्षिणा देकर पढ़ना है, बहुत ज़्यादा फी नहीं रहने वाला है वहाँ पर, बहुत मामूली फी नहीं, एक गुरु दक्षिणा, जो गरीब से गरीब विद्यार्थी जाकर परचेज कर धुरी ना आए पर, चूँकि वहाँ खर्च लगता है, ऐप में पढ़ाई होता है, उसका सर्वर का मेंटेनेंस है, उसके बाद स्टाफ लोग हैं, PDF बनाने वाले, बहुत सारे चीज़ें हैं, तो उसके लिए एक अलग है। लेकिन यहाँ पर भी हमारा क्लास रेगुलर चलेगा, जैसे 2018 में मैंने तैयारी करवाया था आपको, ज़बरदस्त तैयारी करवाया था रेलवे के लिए, यहाँ भी चलने वाला है, डेली 2-2 वीडियो अपलोड होगा। अच्छा, लाइव नहीं पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि लाइव पढ़ा के हम आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। लाइव में बेवजह के लोग बात करते रहते हैं, समय बर्बाद होता है। जितने चीज़ें मैं 20 मिनट में पढ़ा सकता हूँ, लाइव में पढ़ाने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो ही अपलोड करूँगा, चाहे धुरीना पर हो या यहाँ पर हो। ठीक है, तो आगे हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और फिर बात करेंगे आगे इसके, अब थोड़ा सा ऊपर लेवल के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। पहले वीडियो में आप देखे थे एकदम निम्न लेवल था, इसमें थोड़ा सा मीडियम वाला है, अगला वीडियो में हम नंबर सिस्टम के थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।